टोक में वन विभाग बच्चों को क्रिकेट खेलने की सुविधाएं मुहैया कराएगा। जिला मुख्यालय पर उप वन संरक्षक कार्यालय में खाली पड़ी जमीन से झाड़ियां हटाकर मैदान को समतल किया जा रहा है। यहाँ चार पिच भी तैयार किए जा रहे हैं। इन पिच को नेट से कवर कर बच्चे यहाँ क्रिकेट की प्रैक्टिस कर सकेंगे। डीएफओ मारिया एस शाइन ने नवाचार करते हुए अनुपयोगी जमीन का उपयोग करते हुए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का प्लान किया है। इसके लिए एक कोच भी रिक्रूट कर लिया है। करीब 3 लाख रुपए के बजट से क्रिकेट के सामान लाए जाएंगे। टोक से कजौर गुर्जर की रिपोर्ट। टोक डिवीजन के अंदर आरएफबीडीपी राजस्थान फॉरेस्ट की बायोडाइवर्सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लोगों के बीच में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से गुडविल प्रमोट करने के लिए हमारे पास कुछ डेवलपमेंट कार्य के लिए पैसा प्राप्त था। इस पैसा से उपयोग करके हमने हमारा कैंपस के अंदर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स डेवलप करने का कोशिश कर रहा है। इसमें वर्तमान में 4 क्रिकेट पिचेस का डेवलपमेंट चल रहा है। इसका मॉडल ऐसा होगा कि लोकल स्थानीय बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमने एक लोकल क्रिकेट कोच वो वेल ट्रेंड कोच को भी रिक्रूट कर रखा है। उसके माध्यम से 10 दिन के अंदर तो तैयार हो जाएगा। लोकल बच्चों और यूथ क्रिकेट खेल सकते हैं वन बाके कैंपस पे।